दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच जो ओडीआई श्रृंखला चल रही है उसके दूसरे मैच में कुछ ऐसा घटा जिसकी उम्मीद नहीं थी, जो कि शार्दुल ठाकुर और शिखर धवन दोनों शांत स्वभाव के माने जाते हैं, पर शार्दुल ठाकुर की हो गई बहस, वो भी हो गई अपोजिट टीम के कप्तान से, जो कि है अभी पूरन, जो कि पूरन अच्छे फॉर्म में खेल रहे थे और उन्होंने शार्दुल ठाकुर की बॉल पे एक छक्का और एक चौका भी लगा दिया था, जिसके कारण शार्दुल ठाकुर थोड़े गर्म हो गए और फिर दोनों के बीच हो गई बहस और पूरन और शार्दुल ठाकुर के बीच बहस छिड़ गई, जिसके कारण अंपायर को भी बीच में आना पड़ गया और अंपायर से भी बात नहीं बनी तो फिर शिखर धवन और बाकी प्लेयर भी बीच में आ गए। पर जब शार्दुल ठाकुर अगला ओवर डालने आए तो उन्होंने पूरन को पहली बॉल पे तो बाउंड्री खा ली पर दूसरी बॉल पे आउट कर दिया और उसके बाद शार्दुल ठाकुर ये मुकाबला जीत गए और शार्दुल ठाकुर हंसने भी लग गए और पूरन भी हंसते हुए चले गए वहां से।